इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि फॉर्म विजिट का इस्तेमाल करते हुए हम एमएस एक्सेस में किस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं कि एमएस एक्सेस ओपन करके आपने क्रिएट टैब पे क्लिक करना है और वहां पे आपको फॉर्म का ऑप्शन नजर आएगा और आपने फॉर्म विजिट पे क्लिक करके टेबल सेलेक्ट करना है और उस टेबल में से जो फील्ड्स हैं जो कि आप फॉर्म में शामिल करना चाहते हैं वो आपने करनी है। चार स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लेट सपोज ये अब हमने एक टेबल बनाया हुआ है स्टूडेंट का। अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर करना है, लेकिन यहाँ पे हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड डायरेक्ट टेबल में एंटर करने की बजाय चाहते हैं कि हम एक अलहदा से एक टेबल फॉर्म क्रिएट करें स्टूडेंट का, जिसके अंदर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड आसानी से एंटर कर सकें, जिसके अंदर रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तमाम फील्ड जो हैं उस फॉर्म में शामिल होंगी। उसके लिए आपने जो स्टेप्स आपको अभी मैंने बताए थे उसमें से क्रिएट पे क्लिक किया आपने। यहाँ पे जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो फॉर्म का सेक्शन है, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म से रिलेटेड भी काफ़ी सेक्शन है, लेकिन आपने क्लिक कहाँ पे करना है, फॉर्म विजिट पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म विजिट की जो विंडो है वो खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि टेबल सेलेक्ट करना है। हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टेबल्स हों जिनको आपने सेलेक्ट करना हो, जिनको आप अपने फॉर्म में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक टेबल है स्टूडेंट का, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स को अपने फॉर्म में शामिल करना चाहते हैं। अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो सारी फील्ड शामिल हो जाएंगी, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये तमाम फील्ड्स ना आएँ बल्कि इसमें से कुछ फील्ड जो हैं वो शामिल हों, तो आप उसमें एक फील्ड सेलेक्ट करके ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक फील्ड जो है वो शामिल हो जाएगी, बाकी रिमेनिंग फील्ड शामिल नहीं होगी। तो लेट सपोज अगर हम सबको शामिल करना चाहते हैं तो मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो सारी फील्ड जो है वो मेरे फॉर्म में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा कि जो फॉर्म बनने जा रहा है उसकी क्या तरतीब होनी चाहिए, कि वो कॉलम्स उसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉलम टाइप हो, टेबुलर टाइप हो, डेटा शीट टाइप हो या जस्टिफाइड हो। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं फॉर्म के, तो हम नॉर्मली जो है वो कॉलम स्ट्रक्चर जो है इसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने एंटर इन्फॉर्मेशन करनी है फॉरन फॉर्म में, उसका नाम क्या रखना है आपने, यहाँ पे आप उसका नाम डिसाइड करेंगे। तो मैंने उसका नाम रखना है स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म। यहाँ पे स्टूडेंट का जो डेटा एंटर किया जाएगा इस फॉर्म में, ये मैंने इसका नाम रख दिया। अब आप जैसे ही यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे ये फॉर्म क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स हैं इन तमाम फील्ड्स में आप डेटा एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक डेटा एंटर करके देखते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू रिकॉर्ड का आपके पास ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अब जो भी आप रिकॉर्ड एंटर करेंगे वो डायरेक्टली जाके इस टेबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो लेट सपोज यहाँ पे हम एक एंटर करते हैं रोल नंबर 6789 एंड फर्स्ट नेम यहाँ पे आप एंटर करते हैं उसका, लेट सपोज नदीम, एंड यहाँ पे आप उसका लास्ट नेम एंटर करते हैं। उसके बाद है फी स्टेटस कि उसने फी अगर सबमिट कराई है तो आप यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। उसके बाद आप उसका फादर नेम एंटर करेंगे और लेट सपोज उसके बाद अब यहाँ पे आप उसका एड्रेस एंटर करते हैं, स्ट्रीट 46, और उसके बाद हम यहाँ पे उसका जो भी फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं उसकी, लेट सपोज उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 3/8/1999, और उसने अगर फाइनल एग्जामिनेशन पास किया हुआ है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो ये जितने भी आपने यहाँ पे इनपुट दिया है ये तमाम जाके स्टूडेंट के टेबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने जो रोल नंबर यहाँ पे एंटर किया है वो दरअसल डुप्लीकेट है, यानी रोल नंबर चूंकि हमारे टेबल की प्राइमरी की है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि 6789 ये हो सकता है किसी पहले कोई स्टूडेंट हो उसका रोल नंबर है यहाँ पे, तो हम इसको चेंज करते हैं यहाँ पे जो उसका रोल नंबर सही एंटर करेंगे। तो अब देखते हैं कि अब देखें कि हमारा जो रिकॉर्ड था वो हमारे स्टूडेंट के टेबल में जाके सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अगले स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करेंगे, उसका रोल नंबर, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, फी स्टेटस, फादर, इस तरह हम रिकॉर्ड एंटर करते चले जाएंगे और हमारे स्टूडेंट के टेबल में वो सेव होता जाएगा। तो इस तरीके से हम
क्रिएट के ऊपर क्लिक करके फॉर्म विजिट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी टेबल के हवाले से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहें जो हमने अभी रिकॉर्ड एंटर किया था, तो हम स्टूडेंट की टेबल में वापस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड इसको मैं यहाँ पे इसको आप दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें कि ये जो हमने रिकॉर्ड अभी एंटर किया था वो यहाँ पे सेव हो गया। तो इस तरह से इसके अंदर रिकॉर्ड सेव होता चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि फॉर्म विजिट का इस्तेमाल करते हुए हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं।